इधर आज अपन करने वाले किसका यूज करने वाले हैं, नीड टू एंड नीड्स टू का। ठीक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूँ 110% परी से आएगा। इसके बाद में आपको यूज करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब बताइए क्या होती है, स्पीक, गो, टीच, पढ़ाना, लिखाना, बोलना, समझना, समझना, समझाना, ये सब क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, अब इसका यूज कब किया जाता है, ऐसा कोई भी काम जिसे हमें करने की जरूरत है, ऐसा कोई भी कार्य जो हमें करने की जरूरत है। जैसे कि आपको, जैसे कि अपन, मैं जैसे कि मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, या मैं लिख दिया मैंने, आई मीन्स क्या मैं, और यहाँ पे लिख दिया मैं यू। ठीक है, इनके साथ में हमने क्या यूज कर दिया, नीड, क्या नीड टू। ठीक है, तो आई नीड टू, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न। सीखना मतलब क्या होता है, लर्न, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मुझे सोने की जरूरत है, आई नीड टू, आपको सोने की जरूरत है, यू नीड टू स्लीप। ठीक है, आपको मोबाइल खरीदने की जरूरत है, आपको मोबाइल खरीद, मोबाइल मीन्स मोबाइल खरीदना, बाय आपको, तो यू नीड टू, यहाँ पे क्या लगाना है अपने को, वर्ब लगाना है, तो यू नीड टू बाय मोबाइल, आपको मोबाइल खरीदने की जरूरत है, यू नीड टू बाय मोबाइल। आपको लिखने की जरूरत है, यू नीड टू राइट, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, अगर किसी का पेट बढ़ रहा है तो उससे अपन बोलेंगे भाई तेरे को दौड़ने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे, यू नीड टू रन, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, यू नीड टू एक्सरसाइज, यू नीड टू एक्सरसाइज। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इनके साथ में अपने को क्या करना है, नीड टू का यूज़ करना है इस तरह से। अब नीड टू और नीड्स टू का यूज़ कहाँ करना है, अब वो अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है भाई, कृपया करके कोई कुछ ना लिखे, जब मैं बोलूँ तभी लिखें। तो ये अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, दे, यू, वी, आई, शी और ही, और कोई भी नेम। तो भाई दे, यू, वी और आई के साथ में आपको यूज करना है नीड, नीड टू, और इनके साथ में आपको यूज करना है क्या, नीड्स टू। ओके, अब जैसे कि अब यहाँ पे मैंने वर्ब लिख दी, वॉच इंग्लिश मूवी। अब भैया आप बोल रहे हो कि सर जो है ना हम इंग्लिश इंप्रूव करना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, यू नीड टू वॉच इंग्लिश मूवी, मतलब आपको इंग्लिश मूवी देखने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, जैसे कि दे मीन्स क्या होता है, वे, तो यहाँ पे वे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, उन्हें, जैसे कि शुड में हो रहा था ना, शुड में अपन अलग यूज कर रहे थे। ठीक है, यू मीन्स क्या होता है आपको, वी मीन्स हमें, आई मीन्स मुझे, सी मीन्स उसे फॉर गर्ल्स, ही मीन्स उसे फॉर बॉयज, और राम को, तो दे नीड टू वॉच इंग्लिश मूवी, उन्हें इंग्लिश मूवी देखने की जरूरत है। यू नीड टू वॉच इंग्लिश मूवी, आपको इंग्लिश मूवी देखने की जरूरत है। वी नीड टू वॉच इंग्लिश मूवी, हमें इंग्लिश मूवी देखने की जरूरत है। आई नीड टू वॉच इंग्लिश मूवी, मुझे इंग्लिश मूवी देखने की जरूरत है। शी नीड्स टू वॉच इंग्लिश मूवी, उसे इंग्लिश मूवी देखने की जरूरत है। ही नीड्स टू वॉच इंग्लिश मूवी, उसे इंग्लिश मूवी देखने की जरूरत है। राम नीड्स टू वॉच इंग्लिश मूवी, राम को इंग्लिश मूवी देखने की जरूरत है। आगे समझ में, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भैया आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, भैया यार देखो रेस्ट करने की जरूरत है, क्या है, रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, रेस्ट करने को लिख दिया टेक रेस्ट, टेक मतलब लेना, रेस्ट मीन्स आराम, तो दे नीड टू टेक रेस्ट, उन्हें आराम करने की जरूरत है। यू नीड टू टेक रेस्ट, आपको आराम करने की जरूरत है। वी नीड टू टेक रेस्ट, हमें आराम करने की जरूरत है। आई नीड टू टेक रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत है। शी नीड्स टू टेक रेस्ट, उसे आराम करने की जरूरत है। ही नीड्स टू टेक रेस्ट, उसे आराम करने की जरूरत है। एंड राम नीड्स टू टेक रेस्ट, राम को आराम करने की जरूरत है। अब भाई आप बोल रहे हो कि सर मेरा जो है ना कबड्डी का मैच है, या फिर फुटबॉल का मैच है, या क्रिकेट का मैच है, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, आपको जो है ना किसकी जरूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस, मतलब मैं आपको जो है ना क्या करने की जरूरत है, दे नीड टू प्रैक्टिस, उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यू नीड टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वी नीड टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आई नीड टू प्रैक्टिस,
तो अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने दे नीड टू लर्न, लर्न मीन्स क्या होता है सीखना, दे नीड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, मतलब उन्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। फिर मैंने यहाँ पे से उठाया और लिख दिया यू नीड टू लर्न इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, वी नीड टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख, इस तरह से आपको जो है ना पूरे के पूरे सेंटेंस उतारना है। एंड आपको क्या करना है, इनकी हिंदी लिखना है और ये आप जो है ना पूरा पूरा उतार लीजिए, करो। तो क्या होगा इसका, दे नीड टू लर्न, उन्हें इंग्लिश सीखने की, सॉरी दे नीड टू लर्न इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, वी नीड टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, एंड सी नीड्स टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, ये तो ये इस टाइप के सेंटेंस आपके होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके, ये क्या है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको हमें चेंज करना है नेगेटिव में, किसमें, नेगेटिव में। तो इसमें जो है ना पता है, देखिए लिसन, वी आर नॉट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स हियर, इनमें जो है ना हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब आप ये मत समझना नीड टू और नीड्स टू है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डू एंड डज, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। तो ये डू और डज जो है ना वो जो है ना वो अपनी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, ठीक है, इनमें, ठीक है, डू डज में हेल्पिंग, सॉरी मतलब इंटेंसेस सेंटेंसेज में हम जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। लेकिन जब हम जो है ना इसको नेगेटिव बनाएंगे तो अब हमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब को यूज करना रहेगा। तो डू नॉट को में जो है ना पता है डू प्लस नॉट, तो ये क्या हो सकता है, डोंट हो जाएगा, इज देयर एनी प्रॉब्लम, डू और नॉट प्लस है ना। अब इसके बाद में क्या करा, डज प्लस नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, डजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डोंट में ये जो एपोस्ट्रोफी इधर लगेगा, ये भी इधर लगेगा ना, समझ में आ गया। तो अब अपन इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में बनाने के लिए हमें क्या करना है भाई, इसमें कि हमने ये जो सारा लिखा हुआ था इसको हटा दिया, ठीक है। अब क्या करना कि यहाँ पे क्या आएगा अपना, इसके साथ में आएगा डोंट, इनके साथ में क्या आएगा डोंट, और इनके साथ में क्या आएगा आपका डजंट। अब जो है ना वो नीड टू लिखा हुआ था, नीड्स टू लिखा हुआ था, तो उसमें से नीड्स टू नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आपका नीड टू, और उसके बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन जो भी आपके अदर वर्ड बचते वो अदर वर्ड बचते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्पीक, तो स्पीक तो वर्ब हो गया, अदर वर्ड्स में क्या हो गया इंग्लिश, ठीक है, तो ये आपका हो गया अदर वर्ड्स, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दे नीड टू स्पीक इंग्लिश, सॉरी स्पीक इंग्लिश, तो ये आपका जो है ना दे डोंट क्या हो गया, दे डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, शी डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, राम डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, राम को इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है ना जैसे कि लिख दिया है बरी, बरी मीन्स क्या होता है टेंशन करना, ठीक है ना, चिंता करना, तो दे डोंट नीड टू बरी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बरी, आपको चिंता करने, यू डोंट नीड टू बरी, सुना होगा आपने, यू डोंट नीड टू बरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू बरी, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू बरी, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, शी डजंट नीड टू बरी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड टू बरी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम डजंट नीड टू बरी, राम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हमें बनाना है, ये इस टाइप के सेंटेंसेस हम क्या कहते हैं इनको, नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इज इट जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने है, ठीक है। तो सेंटेंस हमें कैसे लिखना है, दे डोंट नीड टू बरी, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, डोंट नीड टू बरी, इस तरह से आपको जो है ना क्या करना है, पूरे सेंटेंस बनाना है, कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखोगे, दे डोंट नीड टू बरी, इसके नीचे आप इसकी हिंदी लिखोगे, ओके, फिर क्या लिखोगे, यू डोंट नीड टू बरी, उसके नीचे आप इसकी हिंदी लिखोगे, वी डोंट नीड टू बरी, इसके नीचे हिंदी, इस तरह से आपको ये नेगेटिव सेंटेंसेस लिखना, लिखिए फटाफट। तो क्या होगा इसका, दे नीड टू लर्न,
उन्हें इंग्लिश सीखने की, सॉरी दे नीड टू लर्न इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, वी नीड टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, एंड सी नीड्स टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, ये तो इस टाइप के सेंटेंस आपके होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये क्या है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको हमें चेंज करना है नेगेटिव में, किसमें, नेगेटिव में। तो इसमें जो है ना, पता है, देखिए लिसन, वी आर नॉट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स हियर, इनमें जो है ना हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब आप ये मत समझना नीड टू और नीड्स टू है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डू एंड डज, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। तो ये डू और डज जो है ना वो जो है ना वो अपनी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, ठीक है, इनमें, ठीक है, डू डज में हेल्पिंग, सॉरी मतलब इंटेंसेस सेंटेंसेस में हम जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन लेकिन जब हम जो है ना इसको नेगेटिव बनाएंगे तो अब हमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब को यूज करना रहेगा। तो डू नॉट को में जो है ना, पता है, डू प्लस नॉट, तो ये क्या हो सकता है, डोंट हो जाएगा, इज देयर एनी प्रॉब्लम, डू और नॉट प्लस है ना। अब इसके बाद में क्या करा, डज प्लस नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, डजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डोंट में ये जो एपोस्ट्रोफी इधर लगेगा, ये भी इधर लगेगा ना, समझ में आ गया। तो अब अपन इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में बनाने के लिए हमें क्या करना है भाई, इसमें कि हमने ये जो सारा लिखा हुआ था इसको हटा दिया, ठीक है। अब क्या करना कि यहाँ पे क्या आएगा अपना, इसके साथ में आएगा डोंट, इनके साथ में क्या आएगा, डोंट, और इनके साथ में क्या आएगा आपका, डजेंट। अब जो है ना वो नीड टू लिखा हुआ था, नीड्स टू लिखा हुआ था, तो उसमें से नीड्स टू नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आपका, नीड टू, और उसके बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन जो भी आपके अदर वर्ड बचते हैं वो अदर वर्ड बचते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्पीक, तो स्पीक तो वर्ब हो गया, अदर वर्ड्स में क्या हो गया, इंग्लिश, ठीक है, तो ये आपका हो गया अदर वर्ड्स, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दे नीड टू स्पीक इंग्लिश, सॉरी स्पीक इंग्लिश, तो ये आपका जो है ना, दे डोंट क्या हो गया, दे डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, शी डजेंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, ही डजेंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, राम डजेंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, राम को इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है ना जैसे कि लिख दिया है बरी, बरी मीन्स क्या होता है, टेंशन करना, ठीक है ना, चिंता करना, तो दे डोंट नीड टू बरी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बरी, आपको चिंता करने, यू डोंट नीड टू बरी, सुना होगा आपने, यू डोंट नीड टू बरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू बरी, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू बरी, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, शी डजेंट नीड टू बरी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ही डजेंट नीड टू बरी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम डजेंट नीड टू बरी, राम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हमें बनाना है, ये इस टाइप के सेंटेंसेस हम क्या कहते हैं इनको, नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इज इट जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने है, ठीक है। तो सेंटेंस हमें कैसे लिखना है, दे डोंट नीड टू बरी, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू बरी, इस तरह से आपको जो है ना क्या करना है, पूरे सेंटेंस बनाना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखोगे, दे डोंट नीड टू बरी, इसके नीचे आप इसकी हिंदी लिखोगे, ओके, फिर क्या लिखोगे, यू डोंट नीड टू बरी, उसके नीचे आप इसकी हिंदी लिखोगे, वी डोंट नीड टू बरी, इसके नीचे हिंदी, इस तरह से आपको ये नेगेटिव सेंटेंसेस लिखना, लिखिए फटाफट। हाँ भाई, तो ये क्या था आपका, ये आपका हो गया नेगेटिव, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव। अब हमें जो है ना इसका इंटरवेटिव सेंटेंस बनाना है, लिसन, तो इंटरवेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे बताइए, एनीबडी कैन टेल मी, व्हाट विल वी डू टू मेक अ इंटरवेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू और डज, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, डू और डज, तो भाई आपकी जो है ना हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे आएगी आगे, तो इनके साथ में हम क्या यूज कर रहे थे, दे यू वी के साथ में डू, और इनके साथ में हम क्या यूज कर रहे थे, डज, ओके, और इसके बाद में हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, नीड टू, क्या यूज करना है हमें, नीड
टू, और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जिसके बाद में जो भी आपके अदर वर्ड बचते हैं वो, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। क्या हो गया सेंटेंस? इंटरोगेटिव। समझना इसको थोड़ा सा। इंटरोगेटिव, अब यहां पे मैंने क्या लिख दिया, यहां पे लिख दिया मैंने स्पीक इंग्लिश ही लिख देता हूं ना, स्पीक चलो, डू दे नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या होगा इसका? डू दे नीड टू स्पीक इंग्लिश क्या होगा बताइए साक्षी? हाँ, जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई तो अपना साउंड क्या आया? क्या? तो क्या उन्हें इंग्लिश बोलने की, स्पीक बोल, ठीक है, डू यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है? डू वी नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या हमें, डू आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है? डज शी नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत है? डज ही नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत है? डज राम नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या राम को इंग्लिश बोलने की जरूरत है? समझ में आ गया आपको? ठीक है, कुछ भी वर्ब चेंज कर देना है हमें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब जैसे की बात करते हैं, अब इंटरवेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है आपका, है ना? तो इंटरवेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है भाई, ये तो लिखा हुआ है, इसके बाद में अपने को यहाँ पे क्या कर देना है? नोट लगा देना, ठीक है, नोट, फिर उसके बाद में आपका नीड टू, ये जो नोट होता है वो हर, देखिए कैन शुड विल इज एम आर वॉज वर जो भी अपन ने किए, सब्जेक्ट के बाद में नोट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में ही नोट आ रहा है। जैसे कि आई कैन, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद में नोट आ रहा है, और अगर क्या है, किस में? इंटरवेटिव सेंटेंस में। और अगर अपना सेंटेंस क्या है, अपर में, सॉरी, नेगेटिव है, तो फिर किसके बाद में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है या फिर सब्जेक्ट के बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई डोंट, सॉरी, डू दे नॉट नीड टू, है ना, और स्पीक इंग्लिश, ओके, स्पीक इंग्लिश, तो मतलब क्या उन्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, क्या आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है? समझ में आ गया? ठीक है, और अब बात करते हैं अपन डब्ल्यू एच वर्ड्स की। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या होते हैं? वेन, वाई, हु, वेयर, ठीक है, और व्हाट। अब इनको डब्ल्यू एच वर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें डब्ल्यू और एच होते हैं। क्या होते हैं? डब्ल्यू और एच, ठीक है, इसमें भी डब्ल्यू एच है, सब में डब्ल्यू एच है, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? डब्ल्यू एच वर्ड्स। तो ये जो डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स, फिर क्या आएगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब। आ गया समझ में? ठीक है, अब जो है ना, जैसे कि अपन और सेंटेंस देखते हैं। टाइम मत देखो, टाइम तो वो क्या है, कितने मिनट आगे चल रही है दोस्तों? 7 मिनट। देखो घर जाना है, देखो मैं घर पहुंचाऊं। हाँ, देखिए क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड टू डांस, इसके ये आपके साथ में अफर्मेटिव, सामने अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको नेगेटिव बनाना है, इंटरवेटिव बनाना है, इंटरवेटिव नेगेटिव बनाना है, डब्ल्यू एच वर्ड से बनाना है, कोई से भी डब्ल्यू एच वर्ड से बना सकते हो। यू नीड टू डांस यहाँ पे लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव आपको बनाना है, इंटरवेटिव आपको बनाना है, इंटरवेटिव नेगेटिव आपको बनाना है, डब्ल्यू एच वर्ड से आपको बनाना है। यहाँ पे है आपके पास में सी नीड्स टू डांस, चलिए बनाइए, बनाइए फटाफट। हाँ भाई, देखिएगा यू नीड टू डांस, तो देखिए बिकॉज इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है आपकी? डू एंड डज। तो नेगेटिव सेंटेंस में तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है भाई, है ना, तो इसका क्या बनेगा? यू डू नॉट को अपन कर सकते हैं डोंट, तो यू डोंट नीड टू डांस, दैट मींस आपको डांस करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू डांस, आपको डांस करने की जरूरत है, यू डोंट नीड टू डांस, आपको डांस करने की जरूरत है। इंटरवेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, तो डू यू नीड टू डांस, इसका मतलब क्या है? क्या आपको डांस करने की जरूरत है? फिर इंटरवेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? डू यू नॉट नीड टू डांस, इसका मतलब क्या होगा? क्या आपको डांस करने की जरूरत नहीं है? ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड वाई से मान लेते हैं, तो पहले लिखेंगे वाई, फिर डू यू नीड टू डांस, मतलब आपको डांस करने की जरूरत क्यों है? अब ये लिखा हुआ सी नीड्स टू डांस, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, और सी के साथ में अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? डज। तो जब ये ऐसे लिखाएगा सी डज या डजंट, तो फिर अब जो है ना नीड आएगा क्या? नहीं, सॉरी, नीड्स आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है, ये अफर्मेटिव में ही रहेगा, तो सी डजंट नीड टू डांस, सी डजंट नीड टू डांस। इंटरवेटिव क्या होगा?
डज शी नीड टू डांस, डज शी नीड टू डांस, फिर क्या होगा इसका, डज शी नॉट नीड टू डांस, डज शी नॉट नीड टू डांस, और फिर क्या होगा इसका, वाई डज शी नीड टू डांस। ओके, तो शी नीड्स टू डांस मीन्स उसको डांस करने की जरूरत है, शी डजंट नीड टू डांस, उसको डांस करने की जरूरत नहीं है, डज शी नीड टू डांस, क्या उसे डांस करने की जरूरत है, डज शी नॉट नीड टू डांस, क्या उसे डांस करने की जरूरत नहीं है, वाई डज शी नीड टू डांस, उसे डांस करने की जरूरत क्यों है। तो ये होगा आपके सेंटेंसेस, उसकी बाकी की प्रैक्टिस अपन करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, हाँ तो याद, ये डू है ना, डू नॉट मिलके बन रहा है, तो डू नॉट मिलके बन रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब तो अपनी इंटरवेटिव में, जैसे कि अपन ने क्या करा था, अपन ने किया था ना, इधर देखो, इधर अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, यू कैन डांस, ठीक है, ये क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, यू कैन नॉट डांस, ये यू कैन नॉट की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, कांट भी कर सकता हूँ ना, तो यू कांट डांस, तो इसमें हेल्पिंग, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, तो कैन, अब इंटरवेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाऊंगा ना, कैन यू डांस, तो हेल्पिंग वर्ब, तो इसी प्रकार से जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब आगे गई है, डू यू नीड टू डांस, क्या आपको डांस करने की जरूरत है, और डू यू नॉट नीड टू डांस, क्या आपको डांस करने की जरूरत नहीं है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज, ठीक है, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज जो है ना हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं आती अफर्मेटिव, बाकी कैन में, कैन में अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है, शुड में भी आती है, विल में भी आती है, इज, एम, आर, सबके साथ आती है, बट डू डस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं आते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, चलो।